फ्रेंड्स, मैं सना फारूकी, आपके अकाउंट्स और टैली ट्रेनर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंसेस क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल की बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, देन हम बाइफर्गेट करेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग नाम से लग रहा है बिजनेस में होने वाले जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को, उन लेन देन को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, वो जो हमारा बेसिक काम है उसे हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। मीन्स बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू G.R. बार्टली बॉय। उन्होंने बोला कि बुक कीपिंग क्या है, एक तरह का आर्ट है, एक सिस्टमैटिक मैनर में कैसे रिकॉर्ड करें हर एक वो ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस में हो रहे हैं, एक बिजनेस के सेट ऑफ बुक्स में। तो दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। या फिर आरएन कार्टन ने बताया कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, इट इज अ साइंस, इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोस बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। मींस बुक कीपिंग एक तरह का साइंस है। हम साइंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साइंस में रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। तो बुक कीपिंग में भी एक प्रॉपर हमारा साइंस है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हर एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के, और उसे बिजनेस की बुक्स अकाउंट्स में कैसे हम रिकॉर्ड करें ताकि मनीज एंड मनीज वर्ड का जो ट्रांसफर हो रहा है, मींस अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो हमारे पास से सामान आ रहा है, कैश जा रहा है, या सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है, जो मनी का ट्रांसफर हो रहा है, ताकि हम लोग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल हम लोग ये देख सकें कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। तो मीन्स बेसिक टर्म में आप कह सकते हैं बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होने वाले ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करते हैं उसे हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जब बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, एंड होता है, तो अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसमें किस किस तरह की एक्टिविटीज होंगी, सबसे पहला कि जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली है, मींस बुक कीपिंग का काम खत्म हो गया, क्लासिफाई कर लिया, अब उसको हम समराइज करते हैं ताकि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिजनेस की बैलेंस शीट वगैरह बना सके। नेक्स्ट होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट। अब क्या है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हर एक जो हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना हुआ है, उसको एनालिसिस करना और फिर इंटरप्रेटेट करके किसे कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, कि जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको हम कम्युनिकेट करेंगे कि बता सके हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मींस जब बुक कीपिंग खत्म होता है देन अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें फ्रेंड्स अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आपका बुक कीपिंग, अकाउंटिंग दोनों शामिल हो जाता है। इट मींस दैट इट रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। मतलब हर वो प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उनको हम अपने अकाउंटिंग में जो फॉलो करते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, उसे हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। या फिर अकॉर्डिंग टू कोहलर हम लोग बात करें तो accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting. Means हर accounting का जो theory part है, जो entire theory part है, जो practical part है, जो सारी चीजें record करते, वो सारा का सारा हमारा accountancy में cover होता है। तो चलिए friends आगे बढ़ते हैं। Bookkeeping and accounting में अगर हम differentiate करें तो क्या कहेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, फोकस इज ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करते हैं उसमें फोकस करते हैं, लेकिन अगर अकाउंटिंग की बात करें तो फोकस इज ऑन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा, कि जो भी फाइनेंशियल डेटा है उसको जो एनालिसिस करते हैं वो अकाउंटिंग का पार्ट होता है।
सेकेंड वन क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली. मतलब बुककीपिंग में हमारा काम होता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको क्लासिफाई करें एक्यूरेटली मैनर में करें. बट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, एसेट्स विद की फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन, ताकि हम असिस्ट कर सके, हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके, ताकि जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं हमारे बिजनेस में वो डिसीजन भी ले सके. नेक्स्ट है बुक कीपिंग में आर्चीव्स एंड स्टोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर इजी रिट्रीवल. मतलब जो भी हमारे पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वाउचर्स होते हैं, उसको देख के हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, प्रोवाइड्स ओवरव्यू ऑफ बुक कीपिंग प्रोसेस, कि जो भी बुक कीपिंग प्रोसेस है पूरा ओवरव्यू देखना, चेक करना, वो हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है. बुक कीपिंग में बात करें, प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स ऑनगोइंग रिपोर्ट्स, मींस जो हम लोग रिपोर्ट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, अकाउंटिंग के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वो रिपोर्ट्स अकाउंटिंग में हम बना सके. मींस डेटा को एडजस्ट करना फॉर टैक्स एंड रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हमारा अकाउंटिंग का काम होता है. बुक कीपिंग में अगर बात करें टेक्नोलॉजी सेविंग, मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में चीजों को हम रिकॉर्ड कर सके. एंड अकाउंटिंग में काम क्या होता है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लेवल में जब रिपोर्ट्स हमारी बनकर आ जाती है, तो टैक्स रिपोर्ट्स अपने टैक्स अथॉरिटीज को कैसे हमें अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो हमारा अकाउंटिंग का काम है. बुककीपिंग की बात करें तो कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें थोड़ा हाई कॉस्ट हमारी लगती है. मींस अगर हम बात करें तो बुककीपर प्लस अकाउंटेंट, अगर बुककीपर जो बुककीपिंग कर रहा है, अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटेंट करता है, अगर दोनों के काम को हम मिलाएं तो टोटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है. क्यों? क्योंकि बुककीपिंग हम करेंगे तभी हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, और अकाउंटिंग तभी हमारी स्टार्ट हो सकती है जब हमारी बुककीपिंग खत्म होगी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बुककीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग. नेक्स्ट लेते हैं आपको और समझाने के लिए कि बुककीपर जो बुककीपिंग का काम करते हैं, अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, उनमें क्या बाइफर्केट क्या है, डिफरेंशिएट क्या है. तो बुककीपर में देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बात किया कि रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, सच एज सेल्स है, पेरोल है, बिल्स बनाना है, एंड क्लासिफाई मेजर एंड आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस, कि जो भी ट्रांजैक्शंस है उनको क्लासिफाई करना, उनको मेजर करना एंड रिकॉर्ड करना. स्टैंडर्डाइज द रिकॉर्डिंग कीपिंग प्रोसेस, कि जो भी रिकॉर्डिंग कीपिंग प्रोसेस उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमें रिकॉर्ड करना है, वो बुककीपर का काम होता है. लेकिन बुककीपर का काम यहां खत्म नहीं होगा, जब बुककीपर का काम ट्रांजैक्शंस प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करेंगे तभी अकाउंटेंट उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज द डेटा प्रोवाइडेड बाय द बुककीपर, कि बुककीपर ने जो भी डेटा वगैरह हमें दिया है उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालिसिस करना, ताकि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकें. एंड सेकेंड वन, गिव मैनेजमेंट एडवाइस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो हमारी बनी है उसके बेसिस में मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एडवाइस लेते हैं क्या हमें और बिजनेस में क्या क्या करना है, ताकि हमारे टर्न ओवर, हमारा सेल ज्यादा से ज्यादा बढ़े, हम बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं. एंड लास्ट वन, ओवरलुक अकाउंटिंग प्रोसेसेस, कि सारा मतलब बुककीपिंग का जो काम है उसको ओवरलुक करना, उसे प्रॉपर देखना कि जो भी बुककीपर ने काम किया है सारी चीजें प्रॉपर वे में लॉफुली सारी चीजें मेंटेन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. मींस अगर बुककीपर अकाउंटेंट का काम मिल जाता है तो हेल्प द कंपनी मेक साउंड डिसीजन, ताकि कंपनी में हेल्प हो जाती है कि साउंड डिसीजंस ले सके अपने कंपनी में, अपने बिजनेस के हित के लिए, बेनिफिट के लिए एक अच्छा हम डिसीजन ले सके. तो ये हमारा बुककीपर एंड अकाउंटेंट का काम होता है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं, अगर आप क्लास 11th में हैं एंड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि बुककीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस डिफरेंशिएट आप करिए, तो आपको एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होगा. तो बहुत ही इजी मैनर में लेके आई हूँ ताकि आप एग्जाम में उसे लिख सकें. तो देखिए फ्रेंड्स, बुककीपिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग देम. मींस बुककीपिंग
बुककीपिंग का क्या काम है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करना और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जहां हम रिकॉर्ड करें एंड उसे क्लासिफाई करना। अकाउंटिंग का काम क्या है, जो भी बुककीपर ने जो काम किया है, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की है उसको समराइज करना, उसे इंटरप्रिटेट करना, इंटरप्रिटेट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स कि प्रॉफिट बिजनेस में हो रहा है कि लॉस हो रहा है, एंड देन कम्युनिकेट करना अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को। स्टेज की बात करें तो बुक कीपिंग का जो काम है वो प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग की बात करें तो सेकेंडरी स्टेज है। क्यों? इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड, जहां बुक कीपिंग का काम खत्म होगा वहां पे अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी। ऑब्जेक्टिव की फ्रेंड्स बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कि बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स करना, सिस्टमैटिक मैनर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना, ताकि डे टू डे एक्टिविटीज जो हमारे बिजनेस में हो रही है वो प्रॉपर रिकॉर्ड होती जाए। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है इज टू एसर्टेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, कि बिजनेस में हमें नेट रिजल्ट्स पता चलता है, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, और इंटरेस्टेड पार्टीज को हम कम्युनिकेट कर सके, अपने बिजनेस का हाल हकीकत बता सके। नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो बुक कीपिंग दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शंस होंगे तो डेली रूटीन बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग का काम बात करें तो दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर, ये डे टू डे नहीं करना पड़ता, ये एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या 3 months में, 6 months में, जैसे आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करना चाह रहे हैं, आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें, बुक कीपिंग कौन करता है, जूनियर स्टाफ परफॉर्म दी फंक्शन, जूनियर स्टाफ है, जूनियर अकाउंटेंट है, क्लर्क है, वो हमारे काम करते हैं। अकाउंटिंग की अगर बात करें तो सीनियर स्टाफ परफॉर्म्स द फंक्शन, जो हमारे सीनियर अकाउंटेंट होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो हमारे अकाउंटिंग का काम करते हैं। रिलेशन की बात करें, बुक कीपिंग इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बेस हमारा बुक कीपिंग कहलाता है। एंड अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग तभी स्टार्ट होगी जब हमारी बुक कीपिंग एंड होगी। स्पेशल स्किल्स की बात करें कि बुक कीपिंग करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैकेनिकल इन नेचर है। कि जैसे हम लोगों ने देखा कि जूनियर क्लर्क, जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। अकाउंटिंग करने के लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत है, एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप अपना जो रिकॉर्ड आपने किया है उसको एनालिसिस करके आप रिपोर्ट्स तैयार कर सकें। तो ये रहा आपके क्लास 11 के अकॉर्डिंग कैसे आपको अपने एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव, इसमें एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। नॉर्मली कि बुक कीपिंग में आपका IMRC होता है, आइडेंटिफाइंग करना, मेजरिंग करना ट्रांजैक्शंस को, उसको रिकॉर्ड करना एंड क्लासिफाई करना। लेकिन अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग इंक्लूड समराइजिंग, एनालाइजिंग करना, इंटरप्रिटेट करना एंड कम्युनिकेट करना। तो ये आप बाइफर्गेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, अगर तीनों में रिलेशन क्या है, तो इन अ डायग्रामिक फॉर्म में आप इजीली अपने एग्जाम में बना के लिख देंगे, एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट्स को सारी चीजें क्लियर है, राइट? मतलब बुक कीपिंग मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग में आपका बुक कीपिंग प्लस आपके जो समराइजिंग है, रिकॉर्ड्स को इंटरप्रिटेट करना, रिपोर्ट्स बनाना, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, वो आपका अकाउंटिंग का काम होता है। एंड अकाउंटेंसी की बात करें तो बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग प्लस कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, कि यूजर्स को आप कम्युनिकेट करके अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारा अकाउंटेंसी का काम आ जाएगा। मीन्स सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेट हमारी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी में डिफरेंशिएट आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।